हर नंदी एरी हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना सीता करते चालिया हजारन अपनी शान दिखावे ना तू सीता करते चालिया हजारन अपनी शान दिखावे ना मर्यादा टूटी लाडली है मेरे हाथ लगाने से कौन से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से तन कौन से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से ये संत महात्मा संगार मेरी बेटी डरो उल्हाने से कौसा लात बाहर लिकड़ना काम चल समझाने से तू गौशाला से बाहर लिकड़ना काम चल समझाने से तेरी रात काट ले री गौशाला में रात काट ले गौशाला में तुझे तड़के बेटी पावे ना सिरसा करते है चालिया हजारन अपनी शान दिखावे ना तू सिरसा करते चालिया हजारन अपनी शान भैया का नाम नहीं जानती बिट्टू जी बिट्टू बिट्टू बाड़सा से मान्य बिट्टू जी 1000 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि इधर उधर की बातों पर तो सब ध्यान देते हैं लेकिन इन्होंने जो हमारी संस्कृति है और अच्छी बात पर दिया मैं उनके लिए बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा बजा दो एक बार जोरदार ताली सुन ले मेरी लाडली मेरी बात जरा से खोएगी क्यों ना सची बिना प्योतियल ती बदनामी होवेगी तन्यू ना सची बिना प्योतियल ती बदनामी होवेगी मैं तो न्यू आ गया के मेरी लाडली बैठे बाटने धोएगी सासू ननंद रहनी जिठानी मेरे जीवा से न रोवेगी सासू ननंद जिठानी तो रानी मेरे जीवा से न रोवेगी ए आखिर में तेरे पिता लगू आखिर में तेरे पिता लगू तेरी कोड़े मार भगावे ना सिरसा करते चालिया हजा मैंने अपनी शान दिखावे ना तू सिरसा करते चालिया हजा मैंने अपनी शान दिखावे ना और अच्छी मेरी लाडली मेरी हरनंदी जी पिताजी आज मैं बाप होने के नाते तेरे सारे गुनाहों को माफ करता हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया है पिताजी मेरी बात जरा गौर से सुन ले आज निर्धन बाप पर तू कोड़े का प्रहार जो कर रही है ऐसा देख कर तो भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे मेरी बात जरा गौर से सुन लाडली
गुनाह मेरी माफ करू, ए तेरे गुनाह मैं माफ करू, अरे तू बेटी मैं तो बाप तेरा। बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ तो पिता तेरा, तन बनी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ तो पिता तेरा। तेरी मत ना तन मारे लदो भला करे हरी आप तेरा। टोटे में मत हो गई माड़ी दिख रहा ढंग सा तेरा, टोटे में मत हो गई माड़ी दिख रहा ढंग सा तेरा। ए दुनिया कर बुराई प्रति प्रीत की रीत घटावे ना, सिरसा करते चाल लिया जा मैंने अपनी शान दिखावे ना तू, सिरसा श्याम रे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। ओ घनश्याम रे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। ससुर मन सावलन तो चिट्ठी घेर बुलाया से, आपको मेरे ससुर साहब ने चिट्ठी घेरी। हाँ मेरी लाडली। और आपको बुलाया ये जानते हुए कि आपके आने से हम कहीं उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि आपकी ये बेटी जो मान सम्मान से इस परिवार में रहती थी, आज के बाद मेरी दौरानी जिठानी परिवार मुझे बोलने नहीं देंगे कि तेरे पिता श्री किस भेष से आए थे। मेरी लाडली मैं भी कभी सेठ हुआ करता था, लेकिन सारी दौलत उस कृष्ण भगवान के नाम पर कहीं गौशालाओं में कहीं मंदिरों में और कहीं विद्यालयों में दान कर दी। आज मैं इसलिए आ गया कि मेरी लाडली बिन भाई की बहन है, अपने आप को संभाल नहीं पाएगी खाली पटड़े पर, इसलिए आ गया। मेरी लाडली मेरी बात जरा गौर से सुन ले। ससुर मद सामलन मैं तो चिट्ठी घेर बुलाया से, हाथ भरण का त्योते नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से, जब हाथ भरण का त्योते नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। ये मत ना अब बिगाड़े मेरी तू टूटे की माया से, मानी अड़ी ते चालिया जातन आके मान घटा अपने हाथों माने घटाना कोई भी नर चावे ना, सिरसा करते चालिया जावे ने अपनी शान दिखावे ना तू, सिरसा करते चालिया जावे ने अपनी शान दिखावे ना। इंसान को कभी बुरे वक्त में धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य नहीं खोया है वो द्वारकाधीश हो कन्हैया मुरलीधर भगवान, जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न नहीं होने दिया था, कुब्जा को सुंदर रूप देकर सम्मान बढ़ा था और धन्ना भगत की बिना बीज के फसल उपजाई थी। आज निर्धन भगत का सम्मान जरूर बढ़ाएंगे। मेरी बात जरा गौर से सुनिए। आप श्री कृष्ण कन्हैया के भरोसे मेरे दरवाजे तक आ गए, आपने कल्पना भी नहीं की सोचा भी नहीं कि ये परिणाम क्या निकलेगा। मेरी बात को सुन ले लाडली और उसका सोच समझ के जवाब देना, सुन ले मेरी बात। कहिएगा। ए धीरे धारे सबर कर मन में, धीरे धारे सबर कर मन में, क्यों खोटी बात विचार रही। अगर पड़ोसन तायस पितस मेरा कस कस ताने मार रही, अकड़ी पड़ोसन तायस पितस मेरे कस कस ताने मार रही। रघुनाथ गुरु का
ज्ञान मान क्यों भर दिल में अहंकार रही। सुन के थार रंग ढंग मेरी सास घणी मंगल मदद करे परमेश्वर, मंगल मदद करे परमेश्वर और कैला जी बजा मेरी ना। सीसा करते चालिया हजा मैंने अपनी शान दिखावे ना तू। सीसा करते चालिया हजा मैंने अपनी शान दिखावे ना। ए हरनंदी लो हाथी रो मेरी बेटी जुलम कमावे ना। तू ब्रह्मा की छोरी मैया, तू ब्रह्मा
और क्या खोटा होता खरा नहीं भाई, क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। क्या खरा तो खोटा नहीं बने, क्या खोटा होता खरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। माध्यम से कवि महोदय ने सतयुग के प्रमाण दिए कि बताइए सतयुग में कौन मरा और क्या बताया भला। भाई सनक सनंदन संत कुमारा, सनक सनंदन संत कुमारा, जिनको मौत नहीं आई। ध्रु भगत तारे की तरिया आज तलक चमके भाई। ध्रु भगत तारे की तरिया आज तलक चमके भाई। ये मारे कंडे ऋषि ने भी, मारे कंडे ऋषि ने भी मौत से मार नहीं खाई। चतुर्भुजी ने हरिश्चंद को वही सवारी मंगवाई। चतुर्भुजी ने हरिश्चंद को वही सवारी मंगवाई। सावित्री सत्वा ने कुलाई, सावित्री सत्वा ने कुलाई, चमन आज तक हरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। कवि ने सतयुग के प्रमाण दिए, अब बारी त्रेता युग की आ रही है, तो त्रेता युग के प्रमाण देकर के कवि महोदय क्या बता रहे, मेरा क्या लिख दिया। कोई घरा मरा ना बाहर मरा, कोई घरा मरा ना बाहर मरा, कोई सुबह मरा ना शाम मरा, मारीच मरा ना मरा विभीषण जामवंत ना जा मरा। मारीच मरा ना मरा विभीषण जामवंत ना जा मरा। ना मरी सलोचन मेघनाथ, ना मरी सलोचन मेघनाथ, बता यहाँ किस किस का नाम मरा। मर मर के रावण जीवे हैं कौन कह सया मरा। मर मर के रावण जीवे हैं कौन कह सया मरा। ना सीता लक्ष्मण राम मरा, ना सीता लक्ष्मण राम मरा, पर ध्यान किसी ने धरा नहीं। क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तक कोई मरा नहीं। क्यों मरने का
कज कर करा जब आज तल कोई मरा नहीं। कली के माध्यम से कवि महोदय द्वापर युग के प्रमाण देकर के बता रहे कि बताइए द्वापर युग में कौन मरा था और किस तरह से क्या बता रहे भला। कृष्ण मरे ना राधा जी रे, कृष्ण मरे ना राधा जी रे, कंस नहीं शिशुपाल मरा, धर्म युधिष्ठर अर्जुन भीम ना कोई कंती का लाल मरा, धर्म युधिष्ठर अर्जुन भीम ना कोई कंती का लाल मरा। बापा भीष्म द्रोणाचारी, बापा भीष्म द्रोणाचारी, आप मरे ना ख्याल मरा, ए क्यों मरने का शोर मचावे, कोई आज मरा ना काल मरा, क्यों मरने का शोर मचावे, कोई आज मरा ना काल मरा। ना दुर्योधन भोपाल मरा, ना दुर्योधन भोपाल मरा, पर का जिक्र था वो भरा नहीं, क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तल कोई मरा नहीं, क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तल कोई मरा नहीं। कली के माध्यम से कवि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जीव आत्मा कभी नहीं मरती है, किस तरह से क्या बता दे वाला क्या लिखा। ए योग वशिष्ठ उठा के देखो, योग वशिष्ठ उठा के देखो, क्या सुरति और सुमति है, ए बदली होती रहती है यहाँ नए नए की भरती है, बदली होती रहती है यहाँ नए नए की भरती है। ना जड़े आग में न कटे लोहे से, जड़े आग में न कटे लोहे से, ना मृत्यु से डरती है, गौरी शंकर गुरु कहना सच बोले बिन सरती है, गौरी शंकर गुरु कहना सच बोले बिन सरती है। नहीं आत्मा मरती पीरू, नहीं आत्मा मरती पीरू, यू रहने की सरा नहीं, क्यों मरने कज कर करा जब आज तल कोई मरा नहीं, क्यों मरने कज कर करा जब हरा तो खोटा नहीं बने, क्या खोटा होता खरा नहीं, क्यों मरने कज कर करा जब आज तल कोई मरा नहीं, क्यों मरने कज कर करा जब आज तल कोई मरा नहीं। Yeah।
से क्या बात है भाइयों की। साधु को ते भीख बांधी, साधु को ते भीख बांधी, चंद्रावल ने बोली साधु को ते भीख बांधी, चंद्रावल ने बोली चोट है कसूती दिल पे, चोट है कसूती दिल पे, जाती नहीं खोली चोट है कसूती दिल पे, जाती नहीं झेली। बांधी मने भिखारी लगे, गेट पे कोई बांधी मने भिखारी लगे। लड्डन सिंह पे मेहर राज
राजबल लड्डन सिंह पे मेहर राजबल हरदम दुर्गी माई की लड्डन सिंह पे मेहर राजबल हरदम दुर्गी माई की एक निशाना चुकन दूना चलिया बालक पड़ेगा तेरी झाकी के मां गोड़ा मारू मैं बाट गोपिया सड़का एक निशाना चुकन दूना चलिया बालक पड़ेगा एक निशाना चुकन दूना चलिया बालक पड़ेगा हेलो हेलो और 100 रुपए से मान सम्मान किया कमेटी सदस्य के मेंबर जी ने तो नाम नहीं बताया कि तेरी झांकी के मां गोला मारू मैं बाट गोपियां सन का और एक निशाना चुकन दू ना मैं छलिया बालक पणका। सजनों दादा लक्ष्मी चंद जी ने उस लड़की की सुंदरता का वर्णन कर दिया। पहली कली में सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक क्यूकर क्यूकर बयान कर दिया के लिखा सुनेगा चुकरी कटा पटेरे पे टूंगे ऊपर छोटी कड़ी लटके नाग मुंडे कड़ी देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेहरे पे सब बाता ने भूल गया इब सांग करूंगा तेरे पे सांग करूंगा तेरे पे सपेरा तू ना जनकारी सास सपेरा ना जनकारी तेरा चेहरा देख लियो फड़का एक निशाना चुकन दूना छलिया बालक पड़ेगा एक निशाना चुकन दूना छलिया बालक पड़ेगा जगह जाता हूं कार्यक्रम करता हूं सांग करता हूं पर आज से पहले इतनी सुंदर औरत इतनी सुथरी वीरबानी मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड से
परी उतर कर धरती पर आ गई हो। नंबर दूसरी कली पे के कहने लगे सुनेगा लुगाई को इतनी सुथरी शान शकल की गई दिखाई को तेरे जो बन ने देख देख मेरे गात समाई को कुआरा पण तेरा दिख रहा तू इमदद ब्याही को हाली के समरे कोना हाली के समरे कोना खेत पड़ा मेरा रणका एक निशाना रुकने दो ना दरिया बालक पड़ेगा तेरी शादी के माँ घोड़ा मारू आजो भी आसरगा एक निशाना रुकने दो ना दरिया बालक पड़ेगा एक निशाना और 100 रुपए से चलकर आए खुड्डन निवासी आदरणीय हमारे पहलवान जी और विजय पहलवान जी और फौजी जी छपारिया जी और भी भाई थोड़ा नाम बोलने में गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी। 100 रुपए पकड़ा दियो फिर नाम सही करवा लियो। खुड्डन से हाँ हाँ फौजी बताऊं मैं और मैं कौन सा डकैत बताऊं मैं भी फौजी बताऊं भाई जिन्होंने भी इस रागनी पे मान सम्मान किया 100-100 रुपए से 500 रुपए से 50 रुपए से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। प्रेमी सजनों कुछ रागनियां ऐसी होती हैं आप पुरानी पिक्चर देख लो धर्मेंद्र की अमिताभ बच्चन की जो पुरानी पिक्चरों में टेस्ट आएगा ना अंकल जी वो नई पिक्चरों में नहीं आएगा। आज की पिक्चर ऐसी है कि बाप बेटी नहीं देख सकते एक साथ बहन भाई नहीं देख सकते एक साथ हॉल में मॉल में जाते हुए भी हेजिटेशन करते हैं शर्माते हैं पर पंडित लक्ष्मीचंद जी ने पांसुरी बात बता दी सारी बात बता दी एक औरत के विषय में। ये रागिनी जो मैं आपके बीच में रख रही हूँ श्रृंगार रस की रागिनी है एक औरत के बारे में सारा चिट्ठा खोल दिया पर लिफाफे में बंद पर्दे में कैद सारी बात भी कह दी और ओल्ला भी कर दिया पंडित जी ने। नंबर तीसरी कली में के लिखिया सुनेगा परी मेरी राजी जाटी हो जाएगी इज्जत हो बर्बाद तेरी आ तबीयत खाटी हो जाएगी तबीयत खाटी हो जाएगी और पिंजरे के मां लुकरिया से यो पिंजरे के मां लुकरिया से शेर वगैरह पड़ता एक निशाना चुपन यो ना क्या था? हाँ।
हमारे संगीतकार इतना अच्छा संगीत बजा रहे हैं भाई, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि कलाकार तो बार बार चेंज होते रहते हैं, उन्हें तो रेस्ट मिलता रहता है, पर ये जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, इन्हें सांस नहीं मिलता। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, अन्यथा हमारा भी कोई वजूद नहीं है। प्रेमी सजनों, आखिरी और अंतिम कली में लक्ष्मी चंद जी ने पूरी रागणी का निचोड़ कर दिया और बताया एक औरत का रूप स्वरूप होना चाहिए तो किस प्रकार होना चाहिए। अपने घर जाके देख लियो, अगर जैसी मैं चौथी कली में बता रही हूँ ना, अगर उसी थारे घरा भी बीरबानी पावे तो नू सोच लियो सही बीरबानी ला रहा हूँ। ठीक है, चौथी कली में के लिखिया सुनेगा रग की डाले परी, नाक सुआसा मुंह बटवासा, होट पान ते लाल परी, रूप गजब का लेरी से तू किसे मानस का काल परी, न्यू सोचेगी लक्ष्मी चंद था करके दुनिया ख्याल परे, करके दुनिया ख्याल परे, मेरा गाम से सिरसा चाटी और मैं, गाम से सिरसा चाटी और मैं, चेला मान सिंह ब्राह्मण का एक निशाना चुकने दूना चलिया भारत बने का, एक निशाना गोला मारू घाट गोपिया सन का, एक निशाना चुकने दूना चलिया भारत बने का, जो कर देते बाग हरा घन घोर घटा एक छोरी गोवे गीत सुरीले झूल घड़ी सावरे के, झूल घड़ी सावरे के, अरे चोकर देसे भाग हरा घन घोर घटा सावरे की, अरे छोरी गोवे गीत सुरीले झूल घड़ी सावरे के, झूल घड़ी सावरे के, बोला मार चौकड़ी चढ़ी पीड़ते लत्ते चाल सजाके वो छुरिया ने पकड़ा इधर उधर से आके, इधर उधर से आके, वाला नून घुमारी मारी झूला पका के, सासू जी को नाक तोड़ लाई वो लंबा हाथ लगा के, लंबा हाथ लगा के, अरे छोटा दिया खिली रा पतीसी, छोटा दिया खिली पतीसी, अरे छोटा दिया खिली पतीसी, वो तो है झूला ऊपर की,
सवड़े की लगी जब हार झुका छाती का हार झुका छाती का अरे पल्ला थामू पूछने लगी पल्ला सावे पूछने लगी अरे पल्ला सावे पूछने लगी कई पल दिखे कमर की धूल गली सवड़े की अरे चंपा कली हमें धन रा उस पे काली पीली न थारी पावन गज का घूम भाग रा कली दिखे नारी नारी वे दिखे नारी नारी उसे दर्जी तेरे छाते करी थी कैसे